साउथ दिल्ली के फेमस भोजनालय बाबा का ढाबा में पैसों की हेरा फेरी से जुड़े मामले की जांच के बीच यूट्यूबर गौरव वासन का बयान सामने आया। गौरव वासन ने बाबा के लगाए आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। गौरव ने ये दावा भी किया है कि उन्होंने डोनेशन में मिली 3,78,000 रुपए की पूरी राशि ढाबे के मालिक कांता प्रसाद को दे दी थी। खुद पर लगे हेराफेरी के आरोप से इनकार करते हुए यूट्यूबर वासन ने कहा कि ढाबा मालिक झूठे दावे करके उन्हें बदनाम कर रहे हैं। वासन ने आगे कहा कि कांता प्रसाद की मदद के लिए उनके बैंक खाते में 25,00,000 रुपए आने की बात गलत है। गौरव वासन ने बताया कि उन्हें बाबा का ढाबा के मालिक की मदद के लिए करीब 3,78,000 रुपए मिले थे, जिसमें पेटीएम से मिले पैसे भी शामिल है। वासन ने बताया कि उन्होंने कांता प्रसाद को 2 चेक दिए थे, जिसमें एक चेक 1,00,000 रुपए और दूसरा चेक 2,33,000 रुपए का था। वहीं 45,000 रुपए पेटीएम के जरिए दिए गए थे। इन आरोपों के बाद गौरव ने अपने बैंक स्टेटमेंट को भी अपने फेसबुक पेज स्वाद ऑफिशियल पर शेयर किया है। यूट्यूबर गौरव वासन ने ही बाबा का ढाबा के मालिक का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हुआ था और लोग ढाबा के मालिक की मदद के लिए आगे आए थे। हालांकि वीडियो वायरल होने के करीब 1 महीने बाद कांता प्रसाद ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ पैसे की हेरा फेरी की शिकायत दर्ज कराई थी। बहरहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।